ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको 18वां श्लोक घटस्थ तव का जो तृतीय तव है उसका सुनाता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ संस्कृत में। ओम रे मूढ़ क्यम अयम व्रतैव तपसा काया परिक्लिश्यते ये गेरवा बहु दक्षिणे क्यम इतरे रिक्ति क्रियन्ते ग्रह भक्ति च अविनाशिनी भगवती पाद द्वयी सेवताम अनेद्राम वरोहत पुत्र सुभगा लक्ष्मी परोदावती। हे मूर्ख मन, इस शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो और बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों और दानों से क्यों अपना घर खाली कर? जो इसका मतलब है कि अगर आप में सामर्थ है तो आप यज्ञ कीजिए, अगर कोई सामर्थ्यवान नहीं है और वो मजबूरी में कर रहा है, उसको चाहिए कि वो माता के पैर चरणों में भक्ति लगाए और ऐम कलीम सोम का जप करे, जिससे उसका सार्थक हो जाएगा, लक्ष्मी उसको पीछे पीछे दौड़ेगी, मतलब उसको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। सरसिज निलय लक्ष्मी जी का ध्यान है। सरसिज निलय सरोज हस्ते दवल तरा शुभ गंधमाली शोभे भगवती हरि वरबई मनव गे त्रिभुवन भूत करी प्रसिद्ध महम। यहाँ पर एक मंत्र भी दिया जा रहा है। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसका अगर जप होए 1-8 बार और साथ में कनकदरा स्तोत्र का पाठ भी हो तो उससे लक्ष्मी जी आपके हित में आ जाती है। ओम नमः शिवाय।